यार घर वाले नहीं समझते यार, मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि ना लड़का लड़का या लड़की दुबई में तो पता नहीं क्या शेख हैं या क्या हैं। अबे यार हम भी मतलब यही है यार, कोई भी इवेंट हो जाए, कोई भी घर पे किसी का इवेंट हो या किसी की मैयत हुई हुई हो या कुछ भी हो, पैसे भेज दो। ईद आ गई, अब पैसे भेज दो, अब पैसे भेज दो, अब पैसे भेज दो। यार मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा ना, मुझे सिंपैथी गेन करनी, मैं जस्ट एक लाइफ बता रहा हूँ कि हमारी लाइफ की भी बजी भी होती है यार। मैं तो बेसिकली कोई पूछने वाला भी नहीं होता ना यार, मैं अपना सीन बताऊँ, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं अपना सीन बताता हूँ भाई। मैं पिछले 3 दिन से कुत्तों वाले बुखार में पड़ा हुआ हूँ। अब मैं तो क्या बस पैनाडोल खाली, सुबह उठ के झूले, अब घूमते रहो, काम करो। यार मतलब हमारी भी कोई जिंदगी होती है यार, हम लोग किसी को बोलते नहीं है, हम लोग हमेशा सबको ये शो कराते हैं यार हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सही हैं, लेकिन हमारे भी दिन आते हैं यार, हम भी भूखे भूखे यहाँ पे घूम रहे होते हैं, कभी फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं। यार हमारी लाइफ जो है ना मतलब बहुत कंजेस्टेड होती है भाई, ना हम किसी से अपने दुख बता सकते हैं ना किसी को कुछ। हमें ये शो कराना है कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है यार। समझने वाले लोग ना मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप बीती होती है ना इंसान की, और मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मैं जो सच बात होती है वो बताता हूँ भाई। कभी कभी दिन आते हैं एक दरम चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं होते, मतलब लड़का और लड़की जो दुबई के अंदर है बाहर है, अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत अमीर है, बहुत अय्याशियाँ चल रही हैं। मतलब ये कि यार मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम ईद की शॉपिंग कब करी थी, मतलब हमारा तो दिल ही हट गया इन सब चीज़ों से। हमें ना ईद के 3 दिन जो मिलते हैं ना, वो 3 दिन ऐसे होते हैं कि यार बस अब ये छुट्टी के दिन है, इसमें सोना है, इसमें आराम करना है बस। हमें ये नहीं होता हमने कपड़े लेकर आने या हमने ये करना है, बस घर पैसे भेज दो उसके बाद सो जाओ। यार हमारी लाइफ जो है ना, समझो यार, हमें थोड़ा सा समझो। वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, साथ देंगे मरते दम तक।